सुबह ही भाई राकेश जी ने मुझे एक मैसेज फॉरवर्ड किया। जी सर, एलोपैथी वाले अपने आप को जो सुपर साइंस बोलने वाले हैं कि गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज़्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद। लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, डर 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 बनना है, डर डॉक्टर। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए, कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए, अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टर ही? खैर, अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका पाप भी कोई नहीं कर सकता संग्राम देव को। लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। खैर, अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका पाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। तो इन महाशय को तो आपने पहचान लिया होगा, लाला रामदेव, माफ करना, योग गुरु बाबा रामदेव, जो सीधा सीधा कोई भी कह सकता है कि अपना माल बेचने के चक्कर में ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, इस वीडियो को देखकर जो अभी आपने देखा। अब अपनी सरकार का बड़ा अजीब है, कभी तो जरा जरा सी बात में राष्ट्रद्रोह का केस लगा देती है और कभी कभी बड़ी बड़ी बातें लोग बोल जाते हैं और उनको बर्दाश्त कर लिया जाता है। दोस्तों, मैं अख्तर खान और आप देख रहे हैं CBC न्यूज वायर। बाबा रामदेव, पतंजलि वाले लाला, हजारों करोड़ों के व्यापारी और दुकानदार, योगा और आयुर्वेद के नाम पर आप लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके अपना धंधा करें, करोड़ों लोगों का अपमान करें, उपहास करें, लोगों में ऐसा मैसेज पहुंचाएं कि लोगों की जान पर मत आए। तो भैया, ये अगर सीधा सीधा देखें तो राष्ट्रद्रोह, देशद्रोही होगा। कोविड की दूसरी लहर, लाखों लोग मौत के मुंह में चले गए, डॉक्टर अपनी जान पर खेलकर लोगों की जानें बचा रहे हैं। ऐसे में ये लाला जी का बयान आता है एलोपैथिक दवाइयों के लिए और डॉक्टरों के लिए। क्यों? क्योंकि इन्हें अपना प्रोडक्ट बेचना है। टीवी पर डिबेट करने के लिए ये बैठते हैं तो अपना प्रोडक्ट पतंजलि का बैनर लेके बैठते हैं। एलोपैथिक दवाइयों का, डॉक्टरों का उपहास उड़ाकर ये अपनी दुकानदारी चला रहे हैं और सरकार चुप है। जब जिम्मेदार लोग विरोध करते हैं और उन पर केस दर्ज करने की बात करते हैं तब भी सरकार चुप है। और लाला सीना ठोक के कहते हैं कि किसी के बाप की भी ताकत नहीं कि मुझे गिरफ्तार कर ले। आखिर जब सरकार बड़ी आसानी से सबको पहचान लेती है कि ये भ्रमित कर रहा है, ये भ्रम फैला रहा है, ये टूल किट, वो टूल किट, फलाना ढिमाका टूल किट, इस पर राजद्रोह लगा दो, उस पर UPA लगा दो, जैकेट वो वाले, वो जो कहीं आतंकवादी कहीं होते हैं वो जैकेट पहनकर चढ़ाई कर देते हैं ट्विटर जिसके दफ्तर में के मानो कोई हमला करने जा रहे हों। लेकिन आज जब विज्ञान के खिलाफ, भारत के काबिल डॉक्टरों के खिलाफ बाबा रामदेव ने मानो जंग छेड़ दिए, इस देश के विकास के खिलाफ जंग छेड़ दिए, इस देश की एलोपैथिक के खिलाफ जंग छेड़ दिए, तो क्या इसको केंद्र सरकार जनता को भ्रमित करना नहीं मानेगी? इसमें कोई दोराय नहीं कि हमारे देश का योग और आयुर्वेद, उसका एक अलग महत्व है। लेकिन आप योग और आयुर्वेद के नाम पर आप इस तरीके से भ्रमित करोगे लोगों को?
योग और आयुर्वेद आपके घर का ठेका नहीं है, यह हमारी विरासत है, हम जानते हैं। लेकिन इसके नाम पे आप इस तरीके से भ्रमित करके और लोगों में भ्रम फैलाओगे, ये ठीक नहीं है। क्या ये बाबा अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ भी बोल देगा, कुछ भी कह देगा, जनता को किसी भी तरीके से भ्रमित कर देगा और फिर सीना ठोक के कहेगा कि मुझे गिरफ्तार तो किसी का बाप भी नहीं कर सकता? आखिर इतना कॉन्फिडेंस वो कैसे आ सकता है, वो ऐसा कैसे कह सकता है लाखों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करके? बिल्कुल गलत मैसेज देना जान के साथ खेलने के बराबर ही हुआ कि लोगों की जान के साथ ये बड़े मजे ले लेके खेल रहे हैं और कह रहे हैं हजारों डॉक्टर मर गए और ये एलोपैथिक डॉक्टर टर टर जाने क्या क्या, क्योंकि इन्हें अपनी दुकान चलानी है और इनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, क्योंकि इनको पता है, इनको अपनी दोस्ती पर यकीन है कि इनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। कौन है वो दोस्त? इधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि COVID-19 के उपचार के लिए सरकार के प्रोटोकॉल को चुनौती देने तथा टीकाकरण पर कथित दुष्प्रचार वाला अभियान चलाने के लिए योग गुरु रामदेव पर तत्काल राजद्रोह के आरोप के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। आधुनिक चिकित्सा पद्धति से इलाज करने वाले डॉक्टर के प्रमुख संगठन ने एलोपैथी के खिलाफ कथित अपमानजनक बयान के लिए रामदेव को मानहानि का नोटिस भी भेजा है। संघ ने उनसे 15 दिन के अंदर माफी मांगने के लिए कहा है, उनसे कहा है कि ऐसा नहीं होने पर वह उनसे 1,000 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति की राशि मांगेगा। अब मेरा सवाल सीधा सरकार से, यह बाबा रामदेव का भड़काऊ और भ्रमित करने वाला टूलकिट नहीं है क्या? बाबा रामदेव ने जो कहा वो देश के डॉक्टरों के खिलाफ, देश के विकास के खिलाफ वाला टूलकिट नहीं है? आखिर किसका संरक्षण प्राप्त है बाबा रामदेव को कि वो सीना ठोक कर कहता है कि गिरफ्तार तो मुझे किसी का बाप भी नहीं कर सकता? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए, जनता को। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC News Wire का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।